नमस्कार दोस्तों, खबरें उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। हरी साड़ी, माथे पर बिंदी और मांग में सिंदूर, सीमा ने सचिन के लिए रखा हरियाली तीज का व्रत। सीमा हैदर का एक और वीडियो सामने आया है। इसमें अच्छी तरह से तैयार हुई सीमा बता रही हैं कि उसने अपने पति सचिन मीणा के लिए हरियाली तीज का व्रत रखा है। सीमा कहती हैं, आज हरियाली तीज का त्यौहार है, मैं अपने पूरे परिवार के साथ मना रही हूँ और व्रत भी कर रही हूँ। सीमा ने पूरे देश को हरियाली तीज की शुभकामनाएँ दी हैं। वीडियो की शुरुआत में सीमा जय श्री राम बोलती हैं और हिंदुस्तान जिंदाबाद कहती हैं। आज पूरे देश में हरियाली का तीज त्यौहार मनाया जा रहा है। महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत करती हैं। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर ने अपने पति सचिन की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा है। सीमा ने वीडियो शेयर किया है हरे रंग की साड़ी पहने हुए। सीमा अच्छी तरह से तैयार हुई दिखाई दे रही हैं। सीमा के माथे पर बिंदी नजर आ रही है और मांग में सिंदूर भी दिखाई दे रहा है। सीमा और सचिन पूजा कर रहे हैं। कई सारे देवी देवताओं की तस्वीरें रखी हुई हैं। दीप जल रहा है और आरती भी की जा रही है। जय श्री राम। आज हरियाली तीज का त्यौहार मैं अपने पूरे परिवार के साथ मना रही हूँ और व्रत भी कर रही हूँ और अपने पति की दीर्घायु के लिए पूजा कर रही हूँ। और मेरे वकील साहब डॉक्टर एपी सिंह सर आज मुंबई महाराष्ट्र में गणपति विनायक मंदिर में पूजा करने के लिए गए हुए हैं। और मैं अपने पूरे परिवार के साथ पूरे देश की खुशहाली की और हरियाली की कामना करते हुए और विश्वास करती हूँ कि माननीय मोदी जी और योगी जी के तंत्र पर पूरा देश तरक्की करेगा और खुशहाली आएगी। और इस पूजा में इस आधार पर मैं भाग ले रही हूँ। पूरे देश को मेरी तरफ से बधाई। जय श्री राम हिंदुस्तान। नमस्कार, जय श्री राम। मैं सीमा मीणा, पत्नी सचिन मीणा, अपने ससुराल रघुपुरा ग्रेटर नोएडा में आज 15 अगस्त का दिन मना रही हूँ अपने बच्चों, अपने पति, अपने परिवार के साथ। बहुत खुश हूँ मैं यहाँ हिंदुस्तान में रह के, भारत में रह के बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ मैं। और मन से आज हम बहुत खुश हैं। आज 15 अगस्त का दिन है, बहुत बड़ा दिन है, तो मैं बहुत खुश हूँ। हम मन से मना भी रहे हैं बच्चों और परिवार के साथ। और मेरे वकील डॉक्टर एपी सिंह सर और अपने बच्चों, अपने परिवार के साथ मैं लाल किला से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को सुनना चाह रही थी, पर जांच चल रही है, आप सबको पता है, इसी कारण ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन मुझे भारत देश की महामहिम राष्ट्रपति जी, मोदी जी और यहाँ के महाराज सरकार योगी जी और हमारे डॉक्टर वकील डॉक्टर एपी सिंह सर को पूरा विश्वास है। मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को इंसाफ और न्याय मिलेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद। भारत माता की जय। और हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है और हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। जय हिंद।